नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। समाज में धारणा है कि पिता का कामकाज बेटा संभालता है, लेकिन राजनीति में यह कहावत अगर चरितार्थ होने लगे तो फिर भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप भी लगने लगते हैं। राजनीति कोई धंधा नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है, ये नेता खुद कहते हैं, और इसलिए इसमें शुचिता की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हरियाणा में स्थिति थोड़ा उलट है। यहां के राजनेताओं ने राजनीति में अपनी वंशवेल बढ़ाने की जो कवायद शुरू की वो आज भी चल रही है। ये क्या सियासत और प्रदेश के लिए मुफीद है, चर्चा आज इसी पर करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेन सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अब यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि बेटा बेटी की मोह में फंसी हरियाणा की सियासत। पहले खबर रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर चर्चा। धरती पर पुत्र मोह तो महाभारत और रामायण काल से चला आ रहा है, आज कलयुग में लगता है और बढ़ गया है। तभी तो हरियाणा की सियासत के कई सूरमा भी पुत्र और पुत्री के मोह में नजर आ रहे हैं। वैसे ये इंसानी स्वभाव और जरूरत भी है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, व्यापारी का बेटा व्यापारी, शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, तो फिर नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल खुद सियासत से जुड़े लोग दूसरों से पूछने लगते हैं जब उनकी आलोचना होती है। खैर, आज प्रदेश की सियासत में कौन कौन सितारे पुत्र और पुत्री के मुंह में फंसे हुए हैं, उनका जिक्र करने से पहले अपने सीएम साहब क्या कह रहे हैं, जो इस तरह के आरोप से बिल्कुल पाक साफ है। क्योंकि उनका अपना परिवार और पुत्र होता तो वो भी पता नहीं इसकी जद में आते के नहीं। चाहे वो नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था और चाहे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वो भी 5 साल शासन कर गए, फिर वो भी 10 साल शासन कर गए, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए पतन किया तो 2009 के बाद तो भूल भाल गए सब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई अभी वैसे रहेगी। गौरतलब है कि आज प्रदेश के ज्यादातर राजनीतिक सितारे पुत्र और पुत्री के मुंह में फंसे हुए हैं। इनमें कांग्रेस के सबसे बड़े चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहते हैं। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी बेटे अभय चौटाला के पैर फिर जमाना चाहते हैं। अभय खुद भी कहते हैं, बनूंगा तो सीएम मंत्री नहीं। दक्षिण हरियाणा के कदावर नेता राव इंदरजीत रिटायरमेंट से पहले अपनी बेटी आरती राव को सत्ता में जमाना चाहते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को आईएएस के पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनवा दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह 4 बार सीएम बनते बनते रह गए, अब बेटे को ये बनाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। उधर सीएम बनने के लिए कांग्रेस से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले चौधरी भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई भी सीएम बनने के चक्कर में कई गलत दांव खेल बैठे। सीएम तो अभी नहीं बन पाए पर बेटे भव्य बिश्नोई को पूरी तरह से जमाना चाहते हैं। किरण चौधरी 2 बार मंत्री तो रही पर अब अपनी बेटी श्रुति चौधरी के मुंह में फंसी है, ठीक ठाक चलती रहे। अब डिप्टी सीएम चल रहे दुष्यंत चौटाला को भी उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सीएम देखना चाहते हैं। यानी हरियाणा के बड़े राजनीतिक सितारे अपने पुत्र और पुत्री को सीएम या उसके आसपास देखना चाहते हैं, क्योंकि धरती पर पिता ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने पुत्र या पुत्री को अपने से 2-4 कदम आगे बढ़ा देखना चाहता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो हरियाणा की सियासत में तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला होगा, बहुत सारी सरकारें आई होंगी गई होंगी, लेकिन जो नहीं बदला वो है विरासत की सियासत जो बदस्तूर अभी भी चल रही है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। कई मर्तबा ये सवाल हुए, एक दूसरे पर सियासी पार्टियां आरोप भी लगाती हैं और ये बताती हैं कि देखिए दूसरे की वंशवेल ज्यादा बड़ी होती जा रही है, इधर तो 2-4 हैं उधर ज्यादा हैं। और शुरुआत कांग्रेस से हुई,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। लेकिन हरियाणा में आते हैं तो यहां तो एक नहीं कई चेहरे ऐसे हैं जो अपनों को आगे बढ़ाने की कवायद में लगे हैं। ये प्रदेश के लिए, प्रदेश की सियासत के लिए कितना मुफीद देखते हैं? देखिए पंकज, वैसे तो कई व्यवसाय, कई पेशे हैं जिसमें अपना करियर, बच्चे हों या उनके जो पिता हैं, दादा हैं, अभी तक उन्होंने अपना बनाया चाह होगा। लेकिन आज के दौर में मेरे को लगता है राजनीति में बहुत ज्यादा ग्लैमर है। हम देखते हैं कोई चार्टर्ड अकाउंट है, जाना माना किसी शहर में, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, आईएएस रिटायर्ड की बात नहीं कर रहा, कुछ जो अभी इन सर्विस आईएएस होते हैं, ऑफिसर लेवल के लोग हैं, उनको वो भी राजनीति की चकाचौंध में बह जाते हैं। हमने बहुत देखा कई अफसर रिजाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, बड़े बड़े सितारे, हेमा मालिनी आज भी एमपी है, लेकिन राजनीति में, सियासत में चकाचौंध है कि ये अपनी तरफ खींचती है। और आजकल जिस तरीके की राजनीति चल रही है, सियासत, मतलब कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर होती है, राजनीतिक ताकत होती है, वो बहुत कुछ कर सकती है जी। तो जो जिस तरीके की आजकल सियासत हो रही है और जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं, ये बात ठीक है कि टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, लेकिन जब बात पॉलिटिशियंस की आती है, पॉलिटिक्स की आती है, तो आलोचना होने लगती है। चूंकि राजनीति को सीधे सीधे शब्दों में एक ये कहा जाता है कि समाज सेवा और जन सेवा का कार्य है, लेकिन राजनीति में जिस मानी के बिना तो आज की राजनीति चल ही नहीं सकती, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो राजनीति में इतनी चकाचौंध, इतना ग्लैमर है कि दूसरे व्यवसाय के जो सफल व्यक्ति भी हैं, आप देखिए चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री रहे हैं, करीब 30 से 40 साल तक राजनीति है, हरियाणा में वित्त मंत्री रहे हैं, जब भजलाल मुख्यमंत्री थे उससे पहले भी एमएलए एमपी रहे हैं, बहुत बड़ा कद है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। लेकिन ये सत्ता का आकर्षण ही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे विजेंद्र सिंह को आईएएस के पद से इस्तीफा दिलवाया। और मैं आपको पंकज बताऊं, मेरे को याद है ये बात कोई 20 साल पुरानी है, जब आईएएस का परीक्षा परिणाम आया था, जो 10 टॉप थे उनमें विजेंद्र सिंह था जी। 10 टॉप में विजेंद्र सिंह का नाम था, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 20 साल पहले जब आईएएस में आए, आईएएस की नौकरी की, में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना नाम जिंदा रखने के लिए, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उनको आईएएस से त्याग पत्र इस्तीफा दिलाया और उनको सांसद बनाया। आज वो सांसद हैं और उनकी आगे की लड़ाई, आगे कैसे एस्टेब्लिश हो विजेंद्र सिंह, आगे और कैसे बढ़े, इसी जुगत में चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी कभार बयान भी देते रहते हैं, जो प्रेशर टैक्टिक्स इसको कहते हैं। और भी बहुत सारे केस है, दीपेंद्र हुड्डा की बात है, अमेरिका में इंजीनियर थे, टेक्नोलॉजी के इंजीनियर थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बेटे को अमेरिका से यहां बुलवा लिया, उसको एमपी का चुनाव लड़ाया और 3 बार एमपी बने, अब फिर राज्यसभा में जाके एमपी हैं। बहुत सारे ऐसे केस है कि राजनीति की चकाचौंध ऐसी है, लेकिन राजनीति सियासतदान जो है, जब अपने बच्चों को अपने अपनी जगह पर लाना चाहते हैं, तो चूंकि उनकी छवि खराब है, राजनीति का नाम खराब है, आलोचना होती है, जबकि बाकी पेशे में तो कोई सीए है तो उसका बेटा सीए बनता है, पिता जी। बहुत सारी लंबी एक लिस्ट है हरियाणा के अंदर, आपके पास देवेंद्र आएंगे, महेश के पास हम जा रहे हैं इसी सवाल को लेकर। हम ये जानते हैं कि एक दो नहीं कई नाम ऐसे हैं, सियासी पार्टियां तो गिनी चुनी एक आधो होंगी जो चुनाव लड़ेंगी और दमखम दिखाएंगी, लेकिन जो सियासी परिवार हैं उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास यहां रहा है और संख्या भी ज़्यादा दिखाई देती है महेश, खासकर हरियाणा में। और लेकिन इसका फायदा जनता के लिए है या फिर सिर्फ अपने परिवार के लिए, और कितना नुकसान उस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता का है, वो झंडे और डंडे उठाने वाले कार्यकर्ता का है जो सालों साल मेहनत करते हैं तभी पीछे रह जाते हैं इस विरासत की सियासत के चलते। देखिए पंकज, पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में मुझे लगता है कि राजनीति सत्ता में बैठे लोग अगर भगवान से कम भी नहीं है।
इस तरह की परिस्थितियां राजनीतिक माहौल में अब कायम हो चुकी हैं और राजनीतिक घरानों का जिक्र आप कर रहे थे, तो राजनीतिक घराने एक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विरासत जो पीढ़ियों की तरफ से कमाई गई है। अगर जिक्र चौटाला परिवार का करें तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से जो है जमीनी मेहनत की शुरुआत वहां पर की गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से कनेक्ट करते रहे, हारते रहे, जीतते रहे, लेकिन राजनीति में खड़े रहे। अगर एक दो तीन चुनाव भी अगर कोई हार जाता है तो कहते हैं कि आर्थिक रूप से वो पूरा परिवार टूट जाता है, उसके बाद किसी भी तरह के चुनावी मुकाबले के लिए वो परिवार खड़ा नहीं रह पाता है, आर्थिक मजबूरियां इस तरह की सामने आ जाती है और राजनीति ऐसे लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन जो घराने लगातार पीढ़ी राजनीति में बने हुए हैं और अच्छा खासा मुकाम वो हासिल कर चुके हैं, तो यकीनन फिर ये विरासत है और उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। जिक्र आपने किया कि दरी बिछाने वाले लोगों को अगर कहीं ना कहीं अहमियत मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। कम से कम हरियाणा प्रदेश में तो ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में मुकाम मिला, पायदान मिला, जो शायद राजनीति की सीधी टक्कर को नहीं झेल सकते थे, लेकिन आर्थिक सहायता भी पार्टी की तरफ से मिलती है, संगठन भी मिलता है, वोट भी मिलते सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो चुनावी नैया है वो पार लगाने में हाल फिलहाल पिछले एक दशक में हरियाणा प्रदेश में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये विरासत और विरासत का लाभ बड़े राजनीतिक घराने लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका एक अपवाद किसी हद तक हो सकता है, किसी हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काडर था या जो मूल जो वोटर था, सपोर्टर था, वो भी अब बदल चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पिछले एक दशक में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी तो 2-3-4 हजार और एक आध विधायक तक ही सीमित हरियाणा प्रदेश में थी। जितने भी नए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो खात्मे के बेहद करीब इस वक्त नजर आ रहा है। राजनीतिक का घराने अपने वर्चस्व को कायम रखे हुए हैं, फिर वो चाहे भारतीय जनता में ही क्यों ना हो। वीरेंद्र सोनी जी, आपसे दो सवाल है। एक सवाल तो यही कि ये जनता के लिए कितना मुफीद है, प्रदेश के लिए और सियासत के लिए। दूसरा ये कि विरासत की सियासत, यानी कि जो दादा परदादा ने जो कमाया और उसको आज तक कैश करने का काम किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है, या ये समझा जाए कि जो भजनलाल और देवीलाल जैसे शख्स का जिक्र सियासत में होता है उनकी तुलना हम आज के नौजवानों से कर सकते हैं? देखिए, जो जो राजनीतिक परिवारों के जो लोग राजनीति में आगे आते हैं वो उनके सत्ता काल में ही आगे बढ़ते हैं, चाहे चौधरी भजनलाल जी का परिवार रहा हो, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा का रहा हो, चाहे चौधरी देवीलाल का रहा हो। तो उनकी जो लालची होती है जब वो सत्ता में होते तभी होती है, तभी वो पनपते हैं। मजा तब आता है जब वो विपक्ष में आकर सामना करें। जब सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं तो तभी वो अपने परिवारों को बढ़ाते हैं क्योंकि उस समय उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, सारे साधन मिलते हैं, एक पहचान मिलती है और जो कार्यकर्ताओं की फौज होती है जमी जमाई वो मिलती है। लेकिन अगर वो विपक्ष में रहते हुए लड़े तो इस बात का जो मजा भी अलग होगा और इस बात की वास्तविकता भी मानी जाएगी कि उन्होंने धरातल पर आकर संघर्ष किया है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी अवश्य अपवाद है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी ये जो बीमारी जिसे हम कह सकते हैं कि वो पनपती जा रही है। देखिए इस पर अंकुश तो लग नहीं सकता, दूसरे दलों में भी ये है, उस प्रथा आगे बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी में अब जब कोई नेता है, जब वो रिटायर हो जाएगा, जब उसकी आयु नहीं रहेगी, तो वो निश्चित रूप से ये चाहेगा कि उसके परिवार का उसका भाई या बेटा उसको आगे बढ़ाए। अब जैसे राव इंद्रजीत सिंह है, 5 बार सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, तो अब उसके अलावा मतलब वो अपने किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी बेटी आरती राव वाले काफी समय से संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने पहले इंसाफ मंच भी बनाया, उस दिशा में काम कर रही हैं और अब वो चाहे उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, चाहे विधानसभा का उनकी तैयारी है, चाहे वो उनको गुड़गांव से लड़ाएं, चाहे या भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़ाएं। तो जो भी नेता है, सभी नेताओं की एक ख्वाहिश रहती है। कृष्णपाल गुजर हैं, उनका जो बेटा है देवेंद्र चौधरी, वो फरीदाबाद नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर रह चुका है क्योंकि अब तो वहां नगर निगम के जो है चुनाव होने हैं। लेकिन कई लोग तो सिर्फ अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, वो संगठन के माध्यम से जाते हैं। अगर संगठन में रहकर काम करें तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होता क्योंकि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है। आज किसी भी दल का, अब तो भारतीय जनता पार्टी सदर उड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं, आप उनके किसी के बेटे, किसी की पत्नी, मतलब वो सारी सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। मतलब वो जो सांसद या विधायक के प्रतिनिधि रोग रोग के रूप में काम करती हैं। आगे जब नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता पाए थे तो उन्होंने कहा था कि चाहे सचिव हो, चाहे कोई भी दायित्व दिया जाए संसदीय क्षेत्र का, तो कार्यकर्ता को दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य को ना दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया था। लेकिन यहां भी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पर अंकुश नहीं लगाई।
और हालांकि देखिए मनोहर लाल जी ने बड़ा कांग्रेस पार्टी के ऊपर कटाक्ष किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया है, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति बनी, क्या हरियाणा में भी महाराष्ट्र की स्थिति बनी, तो क्या अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को तोड़ना पड़ा या वहां तब वो भूपेंद्र हुड्डा से समझौता नहीं करेंगे? अभी देखिए जींद उपचुनाव के समय में वो दुर्योधन अपना इनको सबको दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को दुर्योधन और दुशासन कहा करते थे, और देख लिए बाद में जब हुआ तो विधानसभा चुनाव के बाद उनको इनसे समझौता करना पड़ा। परिवारवादी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध तो करती है लेकिन परिवारवादी पार्टियों से समझौता भी करती है, तो इसलिए सत्ता का सुख होता है, जब सत्ता की एडजस्टमेंट होती है तो वहां सबको समर्पण करना पड़ता है। ये सब बातें कहने की हैं, वास्तविक धरातल पर कुछ और ही होता है। जी दिव्यंत, जिस तरीके से पारिवारिक जो वोट कहा जाता है, इस वोटर के मन में कभी इस तरह की स्थिति बनी नहीं या ऐसा कुछ पारिवारिक लोगों ने कर दिया कि अब वो वोटर कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं के बल पर वंशवेल आगे बढ़ती है? देखिए पंकज, सियासत में बात ऐसी है कि इसमें रुआब आदमी का कितना ही पैसा हो, लेकिन मैंने एक दौर ये देखा है पंकज, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पानीपत में पानीपत के नामी गिरामी निर्यातक एक्सपोर्टर है, बहुत बड़े सेठ है, जिनको पानीपत का सबसे बड़ा उद्योगपति कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में उन्हें भी लगा, उन्होंने कोशिश की कि मैं एमपी का टिकट लेकर चुनाव लड़ लूं, उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि उनको ये था कि छोटे छोटे आदमी जो हमारे पास कभी चंदा लेने आते हैं, हमें नमस्ते करते हैं, लेकिन वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठते हैं और हम सबसे बड़े सेठ, लाल बत्ती हम नहीं लगा सकते। तो इस तरह की जो चकाचौंध जो पावर होती है ना, वो थोड़ा सा आदमी को खींचती है राजनीति की तरफ। दूसरा, जिस तरीके का रुआब होता है, रुतबा होता है, सत्ता सुख होता है और दौलत भी, अब तो आप मान सकते हो कि आज की जो राजनीति चल रही है, दौलत भी एक कारण है जो अपनी तरफ खींचती है, उसकी मजबूरी है कि ये जरूरी है। वो मानता है कि जिस तरीके से दादा ने किया, पापा ने किया, उस तरीके से बेटा भी काम करेगा, क्योंकि नौजवानों का अब पदार्पण हो रहा है सियासत में, और जो वोटर है, जो पुराने वोटर होंगे, जो जिक्र करते हैं पुराने दौर का, वो लोग भी उस नौजवान का समर्थन करते दिखाई देते हैं। क्या इस बेस पर समर्थन होता है कि दादा ने अच्छा काम किया या दादा का नाम है, या फिर उसमें कुछ वो लोग देखते हैं क्वालिटी की, हाँ नया चेहरा है, अच्छा चेहरा है, काम करेगा, पढ़ा लिखा चेहरा है, इसे देखा जाता है या फिर नहीं? देखिए पंकज, जो पुराने लोग है ना, जो पुराने लोग होते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनका नाम है, उनकी जो उनके जो और आगे चलने वाले उनके पोते हैं, पुत्र हैं, उनके जो वंशज हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक बाध्यता ये होती है कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने अच्छा काम किया है, राजनीति में उनका नाम है, लोग मिसाल देते हैं, तो उनके साथ ये एक बंदिश भी जुड़ी होती है कि वो अच्छा काम करें, परिवार का नाम आगे करें। लेकिन ऐसे लोग आजकल बहुत कम है, बहुत कम, इक्का दुक्का परसेंट आप कह सकते हो कि जो राजनीति में इस विचारधारा के होते हैं कि ईमानदारी से काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, अपनी छवि, अपना नाम बचा के रखना है, लोगों की दुआएं लेनी है, तो उस तरह की भावना बहुत कम रह गई है। अब तो ये है कि जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उसको वो ये कहते हैं कि फैक्ट्री चली चलाइए, बेटे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फैक्ट्री संभालने का, व्यापार है तो व्यापार संभालना बेटा। तो लेकिन राजनीति में भी यही बात है, राजनीति में अगर पिता या दादा या चाचा स्थापित है, एस्टेब्लिश है, तो वो ये कहता है कि मेरी जगह ले ले, मेरे वंश को आगे बढ़ाए, मेरे परिवार को आगे बढ़ाए, यही राजनीति की चकाचौंध है जो सबको अपनी ओर खींचती है। मैं जिस तरीके से यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र हुआ, वो कहाँ पढ़ाई कर रहे थे और किस तरीके से सियासत में एंट्री हुई, चौधरी वीरेंद्र सिंह का हुआ कि कैसे उनको बुलाया गया, विजेंद्र सिंह को इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के वो सियासत में आए, तो ये एक नेता ये कहा जाता था जैसे पुराने चेहरों का नाम जब हम लेते हैं तो वो लोग जमीन पैदल चलते थे, जमीन पर चप्पल से चलते थे, और तो कनेक्टिविटी होती थी लोगों के साथ, तब एक वोट बैंक बनता था, एक वोट उनको मिलता था, उन्होंने सियासत में अपना नाम कमाया। लेकिन अब ये जो पैरासूट वाले उम्मीदवार हैं और नौजवान हैं या इनकी वंशवेल है, क्या ये तुलनात्मक स्थिति नहीं होती है कभी, या सीधे परिवार के नाम पर ठप्पा लगा दिया जाता है? देखिए दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र आपने किया, ये जरूर है कि दीपेंद्र हुड्डा को विदेश से नौकरी छुड़वाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाया था, अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे और रोहतक की जमीन पर ही सियासी शुरुआत दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई थी। लेकिन
दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने राजनीतिक सफर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो दीपेंद्र हुड्डा ने अपने बूते वो मजे भी हैं, वो निखरे भी हैं, वो तपे भी हैं और एक परफॉर्मेंस इस तरीके का कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दिया, एक कनेक्ट उन्होंने दिया। और मुद्दों का अगर जिक्र करें तो लोकसभा में की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, सबसे ज्यादा अगर बुलंद आवाज से किसी ने अपनी आवाज को लोकसभा या राज्यसभा में रखने की कोशिश की तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो ऐसे में अगर कमा के कुछ हासिल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कर लिया है तो यकीन फिर वो काबिले तारीफ हो जाता है। हालांकि शुरुआत उनकी भी विरासत से ही हुई है और विरासत का अगर जिक्र करें तो फिर माथुराम से राजनीति की शुरुआत होती है, संविधान सभा के सदस्य वो रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरी पीढ़ी यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब मैं जिक्र चौड़ा परिवार का कर लेता हूं तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने जिस तरीके से गरीब से कमेरे वर्ग के साथ कनेक्ट किया, जिस तरीके से लोगों के साथ उन्होंने जुड़ाव कायम किया और सरकार और आम आदमी को एक कह सकते हैं कि बेहद करीब लाने की जो कोशिश है वो चौधरी देवीलाल की तरफ से की गई। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला और अब अजय सिंह चौटाला, उसके बाद दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला इसी कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यकीनन अगर मेहनत जनता के साथ जुड़कर की जाए, अगर वो सिर्फ विरासत में एक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल ना की जाए, लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश अगर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता कार्यकर्ता करता है तो यकीनन फिर वो काबिले तारीफ हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसी का बेटा है इस वजह से टिकट हासिल कर वो जीत तो सकता है लेकिन सिर्फ एक बार, उसके बाद आगे की जो जमीन है, आगे की जो डगर है उसके लिए बेहद दुश्वार हो जाएगी। जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, भले ही पैदल चलने का वक्त अब ना हो लेकिन अगर मोबाइल भी उठाकर अपने कार्यकर्ता की अपने साथियों की बात अगर सुनता है तो उसे भी तारीफ के काबिल माना जाता है। वीरेंद्र सोनी जी, ये सवाल इसलिए मन में आया क्योंकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यहां तक तो ठीक चला, जब राहुल गांधी को कमान दी गई तो कांग्रेस की स्थिति का असल चेहरा सामने आ गया, अपनी सीट भी हार गए पिछले चुनाव में। लेकिन यही स्थिति, क्योंकि आप तपे नहीं, आप जमे नहीं, आप लोगों से मिले नहीं, आप वो सियासत करना जानते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए आए, टिक नहीं पाए। देखिए वो बात बिल्कुल आपने सही कही है। देखिए अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है और उनका वहां जो फील्ड में काम करने का अनुभव है वो अलग ढंग के प्रवृत्ति का रहा है, वो कभी फील्ड में उस ढंग से उतरे नहीं है। आप नरेंद्र मोदी जी का देखिए, वो जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की भाषा बोल लेते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को सीधा जानते हैं, वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। जब वो हरियाणा के प्रभारी थे तो जो वहां उस समय के हरियाणा के पत्रकार थे उनको जातीय गणित के हिसाब से वोटों का वर्गीकरण मालूम नहीं था, जबकि नरेंद्र मोदी जी को उस समय 1996 के समय में उनको ये मालूम था कि इस समय हरियाणा की स्थिति क्या है। तो वो जमीन से जुड़े हुए थे, वो अभी भी उनका जो होम वर्क रहता है वो पूरा वो रहता है। जबकि राहुल गांधी की स्थिति ये देखिए कि उनको ना तो उस ढंग का फीडबैक मिलता है, ना उनको उस ढंग की विषय की पूरी जानकारी होती है, तो इसलिए कई बार उनको जो हास्य का पात्र भी बनना पड़ता है। और ये देखिए कि जैसे अब यहाँ मनोहर लाल जी हैं, ये भी पूरे हरियाणा से जैसे जिस तरह जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको हर कार्यकर्ता के बारे में है, उनको किसी दूसरे से ऊपर निर्भर नहीं है कोई फीडबैक लेने के लिए, क्योंकि उनका अपना ही नेटवर्क रहा है, क्योंकि उन्होंने रहकर संघर्ष किया है तो हर स्थिति से उभरे हैं। तो इसलिए इस बात का बड़ा अंतर पड़ता है। और जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होगा निश्चित रूप से उसका आगे का भविष्य जो है उज्जवल होगा। जिस तरह हम परिवारवाद की तो चलता ही रहना है, इसमें कोई हम अंकुश लगा नहीं सकते, एक बार तो आप परिवार के नाते आगे सीढ़ी चढ़ जाएंगे लेकिन अगला रास्ता आपको खुद तय करना है, अपने बलबूते पर ही आपको अपनी सफलता मिलेगी, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, अभय चौटाला हो। देखिए अभय चौटाला विधानसभा में जिस तरह बोलती है अकेले ही सब पर भारी पड़ते हैं, तो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी काबिलियत बाद में सिद्ध की है। अब किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी अब उसको अपनी मंजिल अभी स्थापित करनी है, अपने ढंग से करनी है। अभय चौटाला अपने पुत्रों करण और अर्जुन को भी स्थापित करने में लगे लेकिन उनको अपनी मंजिल अब जो है खुद तय करनी पड़ेगी। एक बार तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा लेकिन समय में अगर आपने अपना भविष्य चुनना है, अपने राज चुननी है, तो उसके लिए आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। दीपेंद्र, छोटे शब्दों में जवाब चाहूंगा, वक्त कम है। ऐसी स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में देखी, मुलायम सिंह की सियासत को कौन नहीं जानता है, वो चेहरा भी थे, उनका वोट बैंक भी था और उनकी समझ भी थी, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की एंट्री होती है मजबूरी हो गई पार्टी के तमाम लोगों का साथ देना, क्योंकि सिर्फ मुलायम सिंह के बेटे थे इतना ही भर था, बाकी और कुछ नहीं। और वही स्थिति हरियाणा में कहीं ऐसा ना हो कि केवल बाप दादा के नाम से और आने वाले वक्त में मुखी खानी पड़े। देखिए पंकज, जो दाव पेच राजनीति के होते हैं वो घर से ही सीखते हैं, कहते ना जो कोई नया आदमी उसको राजनीति करना बड़ा मुश्किल है, अगर घर से उसकी शिक्षा दीक्षा हो कि राजनीति कैसे होती है, वो अपने घर में माहौल देखता है कि किस तरीके लोग आते हैं, रैलियां क्या होती हैं, बड़े नेता आते हैं तो स्वागत कैसे होता है, कैसे
अंदर की बातें अंदर और जो सार्वजनिक बातें होती है सार्वजनिक की जाती है, तो मतलब सारे तौर तरीके से करते हैं। जैसे खिलाड़ी कोई बड़ा है तो उसके जो घर के उसका बेटा है, परिवार के लोग हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, तो वो दाव पेच घर से ही सीखते हैं। तो एक राजनीति के लिए मेरे को लगता है जो जरूरी और बुनियादी जो जरूरत शिक्षा होती है, जो सीख होती है, वो घर से ही मिलती है। और राजनीति में इसी वजह से जो लोग राजनीति में होते हैं उनके परिवार के लोग, बेटे हो गए, भतीजे हो गए, परिवार के लोग जो होते हैं उनको उस तरह का माहौल मिलता है और वो फिर आगे फलते फूलते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और उनको एक तरह से सपोर्ट किया जाता है और उस तरीके से उनकी गाड़ी चलने लगती है। जी, ये कमोबेश स्थिति ऐसी कि कुछ देर तक तो आपको साथ मिलेगा, आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको खुद परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम में जगह बन पाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।